नमस्ते दोस्तों, फिट इंडिया न्यूज पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडोरा मास के बारे में। वेस्ट बंगाल से मिस्टर प्रकाश ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैं इसके बारे में कुछ रिव्यू करूं। दोस्तों इंडोरा मास काफी इफेक्टिव सप्लीमेंट है ऐसा लगता है मिस्टर प्रकाश को। उसके द्वारा काफी लोगों को यह लगता है कि ये रिजल्ट ओरिएंट वेट गेनर है। इंडोरा मास के 500 ग्राम के आपको 450 रुपया तक देना पड़ता है। क्या ये सप्लीमेंट आपको खरीदना चाहिए या नहीं? दोस्तों इस सवाल के आंसर जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड वीडियो यहाँ पर आते ही रहेंगे और सब्सक्राइब करने के लिए पैसे नहीं लगते, ये बिल्कुल फ्री है। कुछ लोग ये समझते हैं लाइक करने से मुझे पैसे मिलते हैं। नहीं दोस्तों, लाइक करने से कोई पैसे नहीं मिलते, लाइक करने से मुझे अच्छा लगता है। एक लाइक से आपको क्या जाता है, लाइक कर दीजिए। दोस्तों इंडोरा मास के 100 ग्राम के एक सर्विंग में आपको 400 कैलोरी मिल जाते हैं। 60 ग्राम कार्ब्स एंड प्रोटीन, 15 ग्राम फैट, 4 ग्राम आपको मिल जाते हैं। इसमें शुगर है 12 ग्राम। तो ये थी इसकी मैक्रोज। दोस्तों वेट गेनर और मास गेनर में सबसे बड़ा सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट सोर्स। दोस्तों इसके अंदर जो सोर्स है वो है मेल्टाडेक्सोरिन। दोस्तों मेल्टाडेक्सोरिन का जो GIA है, मतलब ग्लाइसोमिक इंडेक्स है, वो नॉर्मल शुगर से भी काफी ज्यादा है। तो मास गेनर या वेट गेनर खा के आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है, तो वो इस ग्लाइसोमिक इंडेक्स की वजह से ही है। और थोड़ी देर बाद आपको थकान लगता है, आपको नींद लगता है, तो इस ग्लाइसेमिक इंडेक्स के वजह से ही है। दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म इतने हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड आप लेते हैं तो आपके बॉडी को डायबिटीज टाइप 2 के प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब आते हैं इसके प्राइस में। इसके 500 ग्राम के लिए आपको 450 तक पे करना पड़ता है। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो कम से कम 100 ग्राम के स्कूप तो आपको कंज्यूम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो 500 ग्राम आपके कितने दिन चलेगी? 5 दिन। और 100 ग्राम के एक स्कूप कितने का पड़ेगा और एक महीने में कितना पे करना पड़ेगा आपको इस सप्लीमेंट लेने में? मैं मैथ में थोड़ा वीक हूँ, आप तो जानते ही है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक महीने में आपको कितना पे करना पड़ेगा इस सप्लीमेंट को लेने में। तो इससे तो ज्यादा अच्छे आप घर में पड़े हुए चीनी खा लें। सो फनी ना? नहीं दोस्तों, मैं किसी फनी मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, ये काफी सीरियस सवाल है। वेट गेनिंग के लिए आप घर का खाना ही यूज करें। वेट गेनिंग सप्लीमेंट लेना चाहिए तो ऑन का ले लो, नहीं तो मसल ब्लेच का सप्लीमेंट या मायपुरिन का कोई भी सप्लीमेंट ले लो या तारा का सप्लीमेंट ही ले लो। दोस्तों सप्लीमेंट के बिना भी आप घर में मास गेनिंग शेक बना सकते हैं। अगले वीडियो में मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। दोस्तों इंडोरा मास के मिक्सिबिलिटी अच्छे नहीं है कम्पेयर टू अदर वेट गेनर, और सिर्फ इंडोरा मास लेने से आपका वेट नहीं गेन होगा। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कंपनी खुद ये जानती है। सो इसलिए एक या दो केले के साथ और मिल्क के साथ इसे लेने की एडवाइस कंपनी ने खुद ही दिया है, आप देख सकते हैं। तो कंपनी को पता है मास गेनर अकेले लेने से आपको कुछ फायदा नहीं होगा, तभी तो बनाना या मिल्क ऐड करना पड़ेगा आपको। दोस्तों इसके अंदर प्रोटीन है 15% और वो भी चीप सोर्स से लिया हुआ है। दोस्तों सबसे अच्छा बेहतर प्रोटीन होता है व्हे प्रोटीन, क्योंकि वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और मसल रिपेयर करने में हमारी हेल्प करता है। तो इसे लेने पर आपके मसल रिपेयर तो नहीं होंगे, इसके अंदर है सोया प्रोटीन। दोस्तों डेली लाइफ में आप जितने भी डेयरी प्रोडक्ट यूज करते हो सब में सोया प्रोटीन होता है, यहाँ तक आप ऑयल यूज करते हो जो चॉकलेट वगैरह खाते हो उसमें सभी में सोया लिचकिन होता है। तो अलग से सोया प्रोटीन को लेने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा सोया लेने से आपको गैनेस्टोमिया यानी मेन बूब्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको अभी भी लगता है कि ये सस्ता है तो ये सस्ता नहीं है, बल्कि ये महंगा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप डिलब्लेज की मास गेनर को ही ले लीजिए, वो आपको 2500 में मिल जाएगी 3 kg का, मगर आपको 3000 का इंडोरा मास लेना पड़ेगा एक महीने चलने के लिए।
तो दोस्तों आपके सारे सवालों का जवाब शायद आपको मिल चुका है। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपका अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन के साथ आप कुश्ती कीजिए, कुछ भी कीजिए, मगर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो आज के लिए बात इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो पर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।